गुड मॉर्निंग। अभी चाय ऑर्डर दिया था, अभी चाय और कल का रोटी था, तो चाय और रोटी, चाय पीते हैं और रोटी खाते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है सुबह के साढ़े ग्यारह। तो अभी मैं रुका था नाको में, तो अभी मैं रेडी हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं पूरा रेडी हूँ। बाहर सब लगेज वगैरह सब पैक कर लिया, अभी बाइक पे लोड करना है और निकलना है। तो मेरे होम स्टे से का बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिखाई देता। कितना सुंदर नजारा है बाहर का, ये माउंटेन पीक, ऊपर बर्फ भी दिख रहा है, इधर ऊपर बर्फ है। यहाँ नाको शायद 11,000 समथिंग कुछ है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन पता नहीं क्यों 11,000 में ही मुझे थोड़ा सांस लेने का प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। अभी चलते हैं। हाँ, मेरा नाम है राकेश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी ब्लॉगर, और आपको मैं स्वागत करता हूँ मेरा नया वीडियो में। अभी मैं हूँ नाको पे और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ नाको से काजा की ओर। यहाँ से जाऊंगा ग्यू मॉनेस्ट्री और बहुत सारे गाँव होते होते निकलूंगा, और अभी मैं चलता हूँ नाको ले। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। आओ, सॉरी, अभी पेमेंट भी करना बाकी है, पेमेंट किया ही नहीं अभी तक। चलो चलो पेमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी नाको से निकल रहा हूँ, अभी भगवान से प्रेयर करते हैं कि अच्छी तरह से जाए, अच्छी तरह से आए, हर हर महादेव। और आज ट्रिप में जीरो करूंगा, कितना किलोमीटर चलाता हूँ पहले वो तो देख लो। हाँ, हो गया जीरो, हो गया। अभी जा रहा हूँ नाको ले, मतलब मैं जिस होम स्टे पे रुका था उसके सामने ही है, बोला तो नाको ले, बाइक भी जाता है। अभी मैं जा रहा हूँ नाको लेक की ओर। नाको लेक का रास्ता कुछ ऐसा ऐसा है, इधर से सीढ़ी बना हुआ है, तो नाको लेक में चलते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं नाको लेक से। ये वाला पूरा नाको लेक का रास्ता है, तरह से जाना है। इधर पे कैंपिंग भी होता है, नीचे उतरने में तो अच्छा ही लग रहा है, जब ऊपर जाएंगे तब पता चलेगा। होटल के रूम के अंदर ही सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, अभी तो नीचे चढ़ रहा हूँ फिर ऊपर चढ़ाइए होगा। ये है नाको लेक, इधर लिखा हुआ है, शायद इसका नाम है स्क्रीट लेक, और इधर लिखा हुआ है प्लीज अवॉइड स्विमिंग, अवॉइड फिशिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, की द लेक नीट एंड क्लीन। भाई सांस चढ़ रहा है मुझे। इधर थोड़ा देखो, इधर फिश भी है, तैर रहा है। इधर बोटिंग भी होता है, टूरिस्ट है जो बोटिंग कर रहा है। मुझे बोटिंग का शौक नहीं है उतना, मुझे स्विमिंग का शौक है थोड़ा बहुत। छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, बोटिंग भी कर सकते हो। बहुत सुंदर सा, पीसफुल है, शांति है इधर, और पूरा माउंटेन सब कुछ दिखाई देता है। इधर माउंटेन के बीच में है, बहुत सुंदर है। थोड़ा टाइम इधर बैठते और यहाँ से निकल। अभी मैं निकल गया नाको से, अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया, भूख नहीं लग रहा है, आगे कहीं पे खाना मिले तो खा लूंगा। आज निकलते बहुत लेट हो गया, आज 12 बज गया, क्योंकि वीडियो एडिटिंग भी करना था, तो कल रात को पहुंचा, सिर्फ पहुंच के खाना खा के सो गया था, उठने में बहुत लेट हो गया। ये है पूरा नाको गांव। ये तो वाटर क्रॉसिंग मिल गया मुझे, ऊपर से घूम के जाना होगा। वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉस, जूता ना भीजे बस, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर लिया, आगे तो इससे बड़ा बड़ा वाटर क्रॉसिंग आएगा। यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड हुआ होगा, आराम से भाई, आराम से लैंडस्लाइड हुआ था, रास्ता ही गया पूरा। ओके, टॉप बॉक्स में थोड़ा अगर खाली रहता है ना, तो पूरा आवाज करता रहता है, ठक 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 ठक, पूरा एकदम से भर के रखना पड़ता है टॉप बॉक्स, तो फिर आवाज नहीं करता है। लिखा हुआ है देखो, इन लैंड ऑफ लामा डोंट बी गामा। यह भी लैंडस्लाइड, इस बार बहुत लैंडस्लाइड हुआ है, ये तो पूरा पत्थर ही गिरा हुआ है। ये वाला रास्ता पूरा नया बना हुआ है, एकदम से नया, बहुत ही सुंदर रोड बनाया है, बहुत ही सुंदर। बीआरओ को तो इस हिसाब से सलाम देना पड़ता ही है, बीआरओ, क्योंकि ये सब रास्ता सिर्फ बीआरओ ही बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। वेलकम टू स्पीति वैली। ये देख के ही इतना सा लग रहा है कि पूछो मत। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, 2021 में जब भी आया था तभी इधर आने का कोशिश किया, लेकिन लॉकडाउन के कारण मुझे आने नहीं दिया। तो चलो अभी स्पीति वैली में अंदर घुसते हैं, चलो चलते हैं स्पीति वैली। ये एक संगम पॉइंट, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये वाला स्पीति रिवर, ये वहाँ है फर्न रिवर, तो यहाँ पे संगम होगी स्पीति।
अभी सुमडो तो पहुंच गया, भूख लग रहा है और यहाँ पे मतलब एंट्री कर दिया स्पीति वैली के लिए। यहाँ पे एंट्री करना पड़ता है तो भूख तो लग रहा था। सुमडो से लेफ्ट साइड के तरफ काजा की ओर जाना है, ऊपर सुमडो चला जाता है ऊपर, उधर बोर्ड पे लिखा हुआ भी है कहाँ से क्या जाना है। तो मार्केट तो ऐसा उतना बड़ा दिखा नहीं, सिर्फ सुमडो में आपका टी फोर्स का कैंप है और सुमडो के बाद ही रास्ता एकदम से छोटा हो गया। सुमडो तक रास्ता मक्खन जैसा था, आगे क्या होगा पता नहीं। भूख लग रहा है, घ्यू मोनेस्ट्री जाते हैं। अगर घ्यू मोनेस्ट्री में के आसपास अगर रेस्टोरेंट मिल जाता है तो बाइक का कुछ प्रॉब्लम दे रहा है क्या, पकड़ रहा है शोर। ये क्या हो रहा है भाई, पता नहीं बाइक क्या दिक्कत दे रहा है, अभी बंद हो रहा है बाइक। चलो पहले सुमडो चलते हैं, उसके बाद बाइक का कुछ हाल देखते हैं। मैं एक घंटे से रुका हुआ हूँ, बाइक फंसी हुई है। मैंने कंपनी को मतलब मेरा जो बाइक चेक करता है उनको कॉल किया था, बोला कार्बोरेटर में थोड़ा कच्चा जाने के कारण भी ऐसा होता है। तो अभी आसपास तो कोई मैकेनिक दिख नहीं है तो पता नहीं क्या, अभी रुका हुआ देखते हैं क्या होता है बाइक का हाल। अभी ये भैया ने एकदम पूरा हेल्प कर दिया मुझे, एकदम से जिंदगी भर याद रहेगा। चले ठीक है, अभी दोपहर का खाना खा रहा हूँ, लंच हो रहा है, हालत बहुत खराब है। कुछ उम्र भी लग रहा है। इधर का जो मैकेनिक है वो गया है बाहर काजा के साइड में, वो आने में और 2 घंटा लगेगा। आने के बाद पता चलेगा वो ठीक कर पाए, मेरा तो बैन बच चुका है अभी तक, पता नहीं क्या होगा। मैम बजा हुआ है, टेंशन नहीं ले रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, वही सोच के चल रहा हूँ। अभी खाना खा के थोड़ा रेडी हो जाता, उसके बाद देखेंगे। गेस्ट थाली 90 रुपीज। अभी मैं इस गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूँ, अभी बस रहा है शाम के 7:30। अभी तक वो मैकेनिक वाला आया ही नहीं, और 1 घंटा लगेगा बोल रहा है। तो आने देते हैं और देखते हैं आज की कितना क्या हो पाता है या नहीं हो, उसके बाद देखेंगे क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते। होप फॉर द बेस्ट, यहाँ से ठीक हो जाए और चलेंगे अपने ड्रीम राइड। कोई टेंशन ले ही नहीं रहा, हंसी भी आ रही है क्योंकि 2-3 साल बाद ना ये भी एक सोचूंगा कि उस टाइम में ऐसा हुआ था मेरे साथ, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा मतलब दिमाग में आएगा। तो वही समझ के अभी इसको एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ एल्टीट्यूड बहुत कम है तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ऐसा हो नहीं रहा है, टाकों में जैसा हो रहा था। अभी अच्छा ही है, यहाँ पे मैक्सिमम 10-15 हाउस होंगे जिधर मैं रुका हुआ हूँ। और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है, स्ट्रीट लाइट अभी जल गया है क्योंकि शाम मतलब रात हो ही रहा है इधर, तो ये वाला ऐसा कुछ सीन है। होप फॉर द बेस्ट, अच्छी तरह यही से अगर ठीक हो जाता है तो अच्छा है, ऐसा ना हो कि टोइंग करके ले जाना पड़े, ना हो इधर से ठीक हो जाए। इधर से मैं घ्यू मोनेस्ट्री सामने ही है तो इधर इतना सही मार्केट है, इधर से इतना सही मार्केट 200 मीटर का ही मार्केट है बोल सकते इधर। चलो अभी रूम में चलते हैं, वो अंकल आएंगे तो बताएंगे, फोन करेंगे उनको, उनका नंबर दे दिया क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर जियो सिम चलता है, एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है मेरे पास। तो चलो होप फॉर द बेस्ट। अभी थुप्पा ऑर्डर दिया आप मटन वाला, तो आज फर्स्ट टाइम थुप्पा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक ही है, बॉयल है, रात का शायद डिनर हो ही गया, खाते अभी गरम गरम बहुत है। मैकेनिक पहुंचते पहुंचते रात के 8:30 बज गए, तो मैकेनिक भैया ने फोन करके बताया कि आज नहीं करेंगे, कल सुबह 7-8 बजे आके शॉप खोलेंगे तब चेक करेंगे। तो क्या करे, वो कुछ उपाय नहीं है, तो अभी खाना वाना वो तो थुप्पा खाया और कुछ नहीं खाएंगे, अभी सो जाते हैं, सो जाने के बाद कल देखते हैं। तो गुड नाइट, तो मिलते हैं कल।